50,000 से लाख रुपए। अभी हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे आपको। ये भाव है। अच्छा ये, हाँ। तो कितने पैसे थे? 85,000। मामले को लेकर के CCTV जो है तो चेक किया जा रहा है दादा, एक मिनट। अच्छा आप है, ये है वो एविएटर गाड़ी जिसकी डिक्की में से तकरीबन 50,000 से लाख रुपए। अभी हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ से बाकायदा जो है तो चोर डकैत लेकर के इसमें से चाबी निकाल के, गाड़ी चाबी भूल गए थे लेकिन चाबी निकाल करके डिक्की को चाबी लगा करके यहाँ पर ये लेकर गया। ये फर्शी का एरिया है, सामने शनि महाराज है का मंदिर है, ये ज्वेलर्स है सोनल ज्वेलर्स, इसके बाजू में इंगड़े मेडिकल, और ये वो पूरी लाइन है। फर्शी का मेन एरिया है, ये फर्शी का मेन एरिया होने के कारण देखिए यहाँ पर उस मामले को लेकर के CCTV जो है तो चेक किया जा रहा है दादा, एक मिनट। अच्छा आप है जी जी जी, देखिए वो CCTV की फुटेज चेक की जा रही है। ये चोरों की इतनी हिम्मत कि बख्शा नहीं जा रहा है। खबर खामगांव के माध्यम से, दैनिक सत्यजेब के माध्यम से, आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं, Facebook पर भी देख सकते हैं कि चोरों की हिम्मत इतनी हो गई है। ये पवन जी शर्मा जिनका गाड़ी में से पैसे लेके एक चोर डकैत फरार हो गया, उसी की पूछताछ कर रहे हैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के स्पेशल स्क्वाड के लोग। ये वो है देखिए सोनल ज्वेलर्स के CCTV में ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये शनि महाराज मंदिर जो है तो उसके पास की ये बिल्कुल घटना है। वहाँ से चोर भागते हुए आया और दिख रहा है कि सोनल ज्वेलर्स के CCTV में। पवन जी ये आपके साथ में कैसा हुआ बता सकते हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए हमारे दर्शक। बैंक में से पैसे लेके आया, महाराष्ट्र बैंक से आप पैसे ले आए थे जी? पूजा का सामान ले रहा था मैं। हाँ का सामान ले रहा था, पूजा का सामान लेने के लिए गाड़ी गया, उसकी देर में एक लड़का आया, उसने डिक्की में से पैसे निकाला। तो कितने पैसे थे? 85,000। तो हमने ऐसे सुना है कि लोगों ने उनका पीछा करके ये किया, तो कम से कम कुछ पैसा उन्होंने फेंक दिया या आधे ऐसे कुछ? 25,000। 35,000 उसने जो है तो 32,000 रुपए की आपने काउंटिंग की है, बाकी वो लेके फरार हुआ है, यानी कि 50,000 के आसपास में फिर भी अभी ये डकैती करके वो चोर भाग गया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जो भी है तो क्या आपने अभी कंप्लेंट दी है या फिर कैसे? जगदाड़े पाटिल सोनल ज्वेलर्स, देखिए ये वो ज्वेलर्स की दुकान है। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने CCTV फुटेज वगैरह दिखाया है और पुलिस को भी मदद हुई और चोर उचक्कों को पकड़ने भी पुलिस की मदद हो गई है। बहुत धन्यवाद दादा आपका। देखते रहिए खबर खामगांव से, खबर वही जो करे आप पर असर, और दैनिक सत्यजेब। थैंक यू वेरी मच।